देखिए ये रिपेयर कराया हमने अभी, ये इनका है सागर का। सागर बताएंगे इसमें क्या हो रहा था, किसका है किसका नहीं, किसका है पीसीबी, क्या हो रहा था हमने सबसे पहले पीसीबी काम आपने? इसमें सर डिस्प्ले नहीं आ रही थी। कौन बोल रहा है उसे? सागर। तुम किधर होना चाहिए? अभी उन्हें बता रहे थे हैं। स्टॉप करो दोबारा। दोस्तों ये पीसीबी आया हमारे पास अभी, और इसमें ये इनका पीसीबी है सागर का। ये बताएंगे इसमें क्या हो रहा था, तो जानते हैं इसमें हमने कैसे ठीक करा इसको। क्या हो रहा था सागर इसमें? इसमें सर डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही थी। डिस्प्ले नहीं आ रही थी इसमें? सप्लाई आ रही थी 12 पॉइंट। सप्लाई 12 पॉइंट। फिर आपने क्या करा इसके अंदर, बताओ उसके अंदर क्या किया आपने? मैंने पहले क्या क्या बता रखा आपको, अगर डिस्प्ले ना आए और सप्लाई ओके हो? तो सर अगर डिस्प्ले ना आए सप्लाई ओके हो तो पहले सर पीसीबी को अच्छे से क्लीन कर लें। डिस्प्ले पीसीबी को कर लिया आपने? हाँ, मैंने पहले डिस्प्ले पीसीबी को क्लीन किया। फिर वायरिंग चेक की सर। हाँ, वायरिंग सही थी सर। फिर इसके बाद सर मैंने क्रिस्टल चेंज किया। ये आपने अपनी मर्जी से करा या आपको बता रखा है क्लास के दौरान? ये बता रखा सर क्लास के दौरान, क्रिस्टल चेंज किया सर। ठीक है, बात नहीं बनी? इससे भी बात नहीं बनी सर। फिर मैंने इससे रिलेटेड ट्रांजिस्टरों को चेंज किया। अच्छा, ये जो लगे हैं यहाँ पे ये चेंज करे? हाँ। जब भी बात नहीं बनी? जब भी बात नहीं बनी सर। फिर मैंने देखा सर क्रिस्टल के इनपुट पर वोल्टेज नहीं आ रही है। आपने देखा? आपने देखा तो मेरा बताओ ना, किसने देखा? आपने सर। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने जो था उसको क्लीन वॉश करा पीसीबी को, जैसा इन्हें बताया गया है। पहले क्लीन वॉश करो जो भी फॉल्ट है सेक्शन को, इसके बाद इन्होंने ये क्रिस्टल बदला है यहाँ पे। ये फ्रिक्वेंसी स्टेबल करके देता है इसको, तो इसके चेंज करने से 70% डिस्प्ले आ जाती है, पर फिलहाल नहीं आई। फिर इसको इनको बता रखा है रिलेटेड ट्रांजिस्टर बदलने के लिए, तो इन्होंने ट्रांजिस्टर बदले। जब भी बात नहीं बनी, अब फिर ये मेरे पास लेकर आए थे ये अभी। तो मैंने क्या क्या चेक करा वो आप ध्यान दो। फिलहाल तो पीसीबी ऑन हो चुका है, लेकिन जिस समय आए थे तो ये इंडिकेटर नहीं थी, उसमें ग्लो कर रहे थे, बीप साउंड भी नहीं आ रही थी। वो क्या रहा था, सबसे पहले मैंने क्या चेक करा इसमें देखिए। सबसे पहले मैंने चेक करा क्रिस्टल पे आने वाली वोल्टेज। ये देखिए, क्रिस्टल पे जब ये लाए थे तो वोल्टेज नहीं आ रही थी, अभी मैंने चेक नहीं करी, अब आ रही होगी। पर तो देखें 2.6 आ रही है, और दूसरे भी लगभग इतनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ रही है, 2.9 के करीब। थ्री वोल्ट आ रही है इसमें, ठीक है ना? तो इस समय वोल्टेज आ रही है, जिस समय लाए थे उस समय आ रही थी वोल्टेज? चेक करी थी ना, जीरो थी ना। तो वोल्टेज क्रिस्टल पे ना आना ये पहला साइन है मेन आईसी खराब होने का। दूसरा, मैंने इनसे पूछा कि ऑन ऑफ स्विच कहाँ है, तो ये 3 वायर है ऑन ऑफ स्विच की, तो ऑन ऑफ स्विच पे भी वोल्टेज आनी चाहिए, वरना ये पीसीबी की आईसी ऑन नहीं होगी एमसीयू। तो जब इस पर वोल्टेज चेक करी तो इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी, पर अब आ रही होगी। क्या होगा? अब आ रही होगी, आ रही है ना, उस समय कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी। इस पर एक ग्राउंड और एक की का सिग्नल रहेगा ऑन ऑफ की का, तो ये नहीं आ रहा था, ये दूसरा साइन था मेन आईसी खराब होने का। और तीसरा क्या चेक करा था, ये दो चेक करने के बाद मैंने पीसीबी ऑफ करके क्रिस्टल पे जो वोल्टेज नहीं आ रही थी मैंने उसकी कंडीशन चेक करी थी। बजर लगा के चेक करा जाता है कंडीशन को। तो क्रिस्टल की जिन दो पिनों पे वोल्टेज नहीं आ रही थी उन पर एक पे तो इन्फिडेंस शो कर रहा था, लेकिन इस वाली पिन पे कोई इन्फिडेंस नहीं आ रही थी, पर अब आ रही है। इससे आपको क्या पता चला? कोई भी सिग्नल कमांड सप्लाई कंडीशन बतानी चाहिए, नहीं बता रही है मतलब ओपन हो गई है, बीप कर रही है मतलब शॉर्ट हो गई है, वर्किंग में नहीं है, आ रही है ना आफ्टर उस समय। ये पिन इम्पीडेंस नहीं दे रही थी पर अब दे रही है। तो तीसरा साइन फिर ये कंफर्म साइन था कि मेन ख़राब है। तो दोनों तीनों तरीके से मेन ख़राब ही लग रही थी, मेन चेक नहीं हो सकती इन्हीं के तरीके। मेन कहाँ से मिली? तो नई मेन नहीं आती है, पर दरअसल हम अपने पास पीसीबी रखते हैं स्टॉक, कि आपको कोई आईसी वगैरह चाहिए हो तो वो मिल जाए। ये हमारे पास एक सेम पीसीबी और था, वो मैंने इनको दिया है, इन्होंने ये इसकी आईसी निकाली है, इसकी आईसी इसमें लगा दी है, और ये ख़राब वाली आईसी है, तो ये लगा के इन्होंने पीसीबी अब ऑन करा है, और इसमें इंडिकेटर आया। अब ये क्या हो रहा है, एलईडी ब्लिंक कर रही है बहुत फास्ट, इसका क्या मतलब है सागर? सेंसर
सेंसर इशू है, बहुत फास्ट ब्लिंक कर रही है और स्लोली ब्लिंक कर रही होती, इसका क्या मतलब है? ओके है तो स्लो ब्लिंक क्यों कर रही है? नहीं सर, अगर थोड़ी देर में स्लो ब्लिंक कर रही होती ना तो मोटर का फॉल्ट है। नहीं, स्लो ब्लिंकिंग क्यों करती है ग्रीन? हाई ब्लिंक कर रही है मतलब एरर है, मोटर का हो या सेंसर का किसी का भी। स्लो ब्लिंक का क्या मतलब होता है? स्लो ब्लिंक का मतलब होता है कि ऑन करने के लिए कह रहा है, स्टैंड बाई में है, रिलीज करना होगा ऑन ऑफ स्विच से। क्या होगा? रिलीज में नहीं, रिलीज नहीं हुआ है, रिलीज करने को बोल रहा है। तो दोस्तों लगा दे सेंसर, लगा ये एरर हटा, ये वाला लाओ देना यार, आयरन ने बंद कर दिया। तो अब इसमें सेंसर थे, इसमें नहीं थे सेंसर दोस्तों, इसमें थे नहीं क्योंकि ये कबाड़ के पीसीबी हैं, इधर उधर से कबाड़ से लाए जाते हैं, बहुत सारे फॉल्ट होते हैं पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्टेप बाय स्टेप सारे फॉल्ट क्लियर करते हैं और कंप्रेसर मोटर सब रन कराते हैं। इसमें सेंसर नहीं थे तो सेंसर कौन सा लगाना है ये भी इनको बता रखा है। ऐसा मत सोचिएगा कि हर पीसीबी में 10 किलो ही लगते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा होता है हर पीसीबी में 10 किलो लगता हो? सभी में 10 किलो नहीं लगते। कौन सा लगेगा ये इनको कंफर्म करना सिखा रखा है कि लगाना कौन सा है सेंसर, तो इन्होंने लगा भी रखा है। फिलहाल ये कौन सा लगा रखा है बन के? वो लगा रखा है सिराज में, लगाई थी मैंने, चेक नहीं किया। क्यों नहीं चेक करा? पीसीबी आपका है ना, आप चेक करोगे? डिस्प्ले चेक कर रहा था मैं सर पहले। चलो ये बात सही है, डिस्प्ले में फंसे हुए ना, डिस्प्ले से पहले कोई काम नहीं करना। फिलहाल तो ये सेंसर भी गलत लगा हुआ है, ये जो लगा है बन के लगा रखा है। ला देना 10 के देना। फिलहाल मैं अभी 10 के ही लगा दे रहा हूँ, 90-80 10 के ही लगे हुए होते हैं, पर 10-15% 10 के नहीं होते, कोई अलग वैल्यू के सेंसर लगे होते हैं, वो ढूंढना सिखाए जाते हैं कौन सा लगाना है। फिलहाल अगर बात नहीं बनेगी तो मैं कौन सा सेंसर लगना है ये कन्फर्म करके लगा लूँ। फिलहाल अभी 10 के लिए लगा दे रहा हूँ। यहाँ मैंने पहले पे 10 किलो लगा दिए, एक और लगा देता हूँ। ये रेजिस्टर वगैरह भी हम रखते हैं नहीं अपने पास, जो बहुत रनिंग होती है वो वाली, बाकी पीसीबी से निकालनी पड़ती है। ठीक है अब चलाएं इसे। अब क्या हो रहा है देखा आपने? अब स्टैंड बाई बहुत स्लो ब्लिंक कर रही है। क्या होगा स्लो ब्लिंक? अब इसका क्या मतलब है? स्टैंड बाई स्टैंड बाई में है ना, आईसी रिलीज होने की कमांड मांग रही है। क्या हो रही है? आईसी इजाज़त मांग रही है, तो इजाज़त दे देते हैं इसे चिमटी से। यहाँ से ये ऑन ऑफ स्विच का है, यहाँ से इजाज़त दे देते हैं इसको। ठीक है हो गया क्लियर। अब इसमें मोटर लगा लो, कंप्रेसर लगा लो, चला लो। ठीक है तो इशू हो फिर आ जाना मेरे पास। ठीक है ले जाओ उसे।